बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद इरफान, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पुर्तगाल वीज़ा। पुर्तगाल के बारे में आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पुर्तगाल एक शेंजन कंट्रीज़ का एक ऐसा कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, और प्लस इसमें पेपर जो है वो ईज़ीली बन रहे हैं। मसलन पूरे शेंजन से जो बंदा लीगल या इलीगल जैसे भी वो पुर्तगाल में एंटर हो गया है, तो उसने वहाँ पे रहना है, अपने टैक्सेस पे करने हैं, और देन इसके बाद ये लोग उसको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, पेपर दे देंगे। तो इवन के वो लोग जो कई सालों से फ्रांस में, इटली में या जर्मनी में फंसे हुए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे, तो वो पुर्तगाल आ जाते थे और वहाँ से अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनवा के और फिर दोबारा अपने उसी कंट्री में जा कर काम करना शुरू कर देते थे। अभी राइट नो पुर्तगाल ने एक नया वीज़ा जो है वो इशू किया है, नेशनल वीज़ा। उसमें है जॉब सीकर वीज़ा, जो कैटेगरी आई है जॉब सीकर वीज़ा। पहले जर्मनी ये जॉब सीकर वीज़ा दे रहा था, अब पुर्तगाल ने भी ये इशू किया है, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल थाउजेंड्स की तादाद में लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है कि आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं वहाँ पर जॉब फाइंड करने के लिए। देखिए, पहले जो वीज़ा कैटेगरी थी उसमें हमें जाने में प्रॉब्लम कहाँ पे था लोगों को, एक तो था विज़िट वीज़ा। विज़िट के लिए तो वो बंदा जाएगा जिसकी प्रोफाइल ओरिजिनल है, लाइक उसने पहले भी विज़िट किए हुए हैं, बैंक स्टेटमेंट भी है, इधर कंपनी शंपनी भी है, या कोई अच्छी जॉब है, ठीक है, अच्छी टैक्स रिटर्न्स हैं, उसका विज़िट लगता था। दूसरे नंबर पर आ जाता था स्टडी वीज़ा। अब स्टडी वीज़ा के लिए हर एक बच्चा जो है वो स्टूडेंट नहीं है, मसलन हर बंदा स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट की भी एक एज लिमिट है, उसको भी आईलेट्स चाहिए, एजुकेशन का अगर गैप ज़्यादा हो गया तब भी वो नहीं अप्लाई कर पा सकता, ठीक है, अगर उसके पास आईलेट्स नहीं है तब भी अप्लाई नहीं कर पा सकता, या एक हैवी किस्म के बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सोर्स ऑफ फंड नहीं है जो वो शो कर सकता, तो भी वो नहीं कर पा रहा होता। अब क्या था, जो तीसरी कैटेगरी आ जाती थी वो बिज़नेस वीज़ा की थी, पुर्तगाल के D7 वीज़ा और D2, मसलन जिसमें आप वहाँ पर वीज़ा लेने के लिए वहाँ पे कंपनी फार्म करते हैं, वहाँ मुलाजम रखते हैं, उनको टैक्स पे करते हैं, फिर अविद फैमिली वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, और देन अविद फैमिली जो है वो पुर्तगाल मूव करते हैं, और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी चाहिए होती है, लाखों में चाहिए होती है, ठीक है, लाइक कम से कम जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर D2 की बात करें तो 15,000 यूरो से स्टार्ट होगी, और अगर D7 की तो एटलीस्ट 1 लाख यूरो से जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान उनका शुरू होते हैं। तो अब ये जो कैटेगरी है ये ख़ास तौर पर वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं या इधर कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं और उनके पास सिर्फ एक सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड है, मसलन कि अगर वो 3 महीने के लिए जाना चाह रहे हैं तो कम से कम अगर उनके अकाउंट में 2500 यूरो के बराबर अमाउंट है तो वो इस वीज़ा को अप्लाई करने के एलिजिबल हैं, या तो वो उसकी इक्वल अमाउंट के पे ड्राफ्ट लगा दें अपनी फाइल के साथ, या अपना बैंक स्टेटमेंट में ये बैलेंस शो कर दें, तो वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग स्टे वीज़ा होगा, 90 डेज़ से 120 डेज़ तक का वीज़ा इशू किया जाएगा, जो कि वहाँ पे आपको जॉब मिलने की सूरत में एक्सटेंडेबल होगा, और उसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे, आपके पेपर भी बन जाएंगे, देन यू कैन लीड टुवर्ड द टेम्परेरी रेजिडेंसी एंड परमानेंट रेजिडेंसी। अब टेम्परेरी स्टे वीज़ा के लिए आपको पहले नंबर पे तो एक शेंजन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, 2 पिक्चर आपने लगानी है, एक साथ पेस्ट कर देनी और एक एक्स्ट्रा अपने साथ भेजना होती है, पासपोर्ट चाहिए आपका, एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड हो, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, और सर्टिफिकेट चाहिए आपका, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, और नेक्स्ट रिक्वेस्ट फॉर कंसल्टेशन ऑफ द पुर्तगीज क्रिमिनल रजिस्ट्री एंड कापी ऑफ द रिटर्न टिकट्स। ये कंफर्म नहीं चाहिए, जस्ट आपको एक रिज़र्वेशन चाहिए होगी और होटल बुकिंग आपको चाहिए, ये सिंपल वो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। साथ आपने कवर लेटर लगाना है, उस पर आपने लिखना है कि मैं यहाँ पे क्या जॉब कर रहा था और उधर जाके मैं किस जॉब की तलाश करूँगा, ये उतनी देर तक के रहने के लिए मेरे पास एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ फ़ंड जो है वो अवेलेबल है, तो दैट्स ऑल, आपने एम्बेसी में अपनी फाइल जो है वो जमा करवा देनी है, तो एम्बेसी से आपका जो डिसीजन होगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं कि अगर आप लाइक जा रहे हैं मेडिकल वीज़ा के ऊपर पुर्तगाल में, तो उसमें बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सेम रहेंगे, लेकिन मेडिकल के लिए आपको वो जो डॉक्टर का प्रूफ है या जो उधर के डॉक्टर्स की कमेटी की अप्रूवल देगी है
जो आपका एग्रीमेंट था उनके साथ कॉपरेशन का, वो आपको चाहिए होगा, इससे जो है वो आप जा सकते हैं। अच्छा, तो अब ये टोटल तरीक़ाकार था पुर्तगाल का। अगर आप में से कोई भी शख्स पुर्तगाल के लिए अपनी फाइल तैयार करवाना चाहता है एम्बेसी में अपीयर होने के लिए, तो हमारी कंपनी आपको जो है वो फाइल रेडी करके दे सकती है। अगर आपको पुर्तगाल के लिए चाहिए उसकी इंश्योरेंस, आपको टिकट रिजर्वेशन, मेडिकल, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पुर्तगाल की एम्बेसी में जो अपॉइंटमेंट मिल रही है वो अप्रॉक्सीमेट सितंबर अक्टूबर की डेटों की मिल रही है, 2023 के सितंबर अक्टूबर की, ठीक है। तो अगर आपको प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट चाहिए विद इन अ मंथ, तो वो भी हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं। और अगर आप पुर्तगाल का वीज़ा जो है वो डन बेस पे हासिल करना चाहते हैं, तो भी हमारी कंपनी जो है वो आपको सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो आपको किसी किस्म की भी असिस्टेंस चाहिए होगी पुर्तगाल के लिए, तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। हमारे ऑफिसेज पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं, कराची में है शहरा फैसल के ऊपर, लाहौर में है हमारा गुलबर्ग में, इसके बाद हमारा ऑफिस जो है वो गुजरांवाला में सेशन कोर्ट के पास है, और नेक्स्ट जो है वो आगे आ जाएँ रावलपिंडी, एक नेशनल मार्केट 6 रोड के पास है, और दूसरा इस्लामाबाद J6 अपारा में, नेक्स्ट पेशावर में है, और इसके बाद अभी नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में स्वाबी का ऑफिस भी ओपन करेंगे, तो उसका भी एड्रेस जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट अस, प्लीज़ यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.worldwideconsultantsllc.com, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वीज़ा वर्ल्ड वाइड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द पुर्तगाल। एंड टुडे आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट वन ऑफ माई एसोसिएट्स एबीएन कंसल्टेंट गुजरांवाला फॉर देर सक्सेस स्टोरी, कि उन्होंने हमें रेफर ट्रस्ट किया, हमें अपने जो है वो वीज़ा के लिए क्लाइंट्स को रेफ़र किया, और आज जो है वो उन लोगों ने अपना वीज़ा गेट किया। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।